नमस्कार दोस्तों, इसे एमडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे होंगे। मेरी प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन एक एमसीडी प्राइमरी स्कूल में हुई है, जो कि दिल्ली का नगर निगम स्कूल है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नगर निगम स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत मेहनत करके नगर निगम के स्कूल की नौकरी पाते हैं। कहने के लिए कहा जाता है, हाँ कुछ लोग हैं जो ऐसे ही पहुँच जाते हैं, बट ज़्यादातर टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। मैं 90s का बच्चा हूँ, तो 90s के बच्चे की एजुकेशन और आज की एजुकेशन के बीच में बहुत डिफरेंस है। आजकल सिर्फ किताबें हैं, पढ़ाई नहीं। पहले ज़माने में पढ़ाई होती थी, किताबें इतनी नहीं होती थी। जब हम अपने स्कूली डेज़ में थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब क्या होता था कि सर जो थे हमारे, जो हमारे सर जी थे, वो ज़्यादातर काम हमें खुद से करवाते थे। मतलब पाठ पढ़वाते थे, उनके शब्द अर्थ लिखवाते थे, उनके कठिन शब्द लिखवाते थे, कठिन शब्दों की इमला होती थी, डेली 10-10 शब्दों की इमला होती थी, और बच्चों के डंडे पड़ते थे जिसके जितने गलत होते थे। अगर किसी के 2 गलत हुए तो 2 डंडे पड़ेंगे, किसी के 5 गलत हुए तो 5 गलत पड़ेंगे। यही चीज़ हिंदी में थी, यही चीज़ इंग्लिश में थी। डेली बच्चों को पढ़ना पड़ता था, डेली बच्चों को लिखना पड़ता था। प्राइमरी में शायद इंग्लिश हमारी 6th क्लास में आई थी, 5th क्लास तक इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी पुराने समय में, ठीक है, जो हमारे 97, 98, 99, 2000 तक नहीं पढ़ाई जाती थी। उसके बाद आई थी 6th क्लास में इंग्लिश, जहाँ पर पहला चैप्टर था दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ बैट, ये सब दिस दैट पढ़ाया जाता था, रीडिंग कराई जाती थी। उससे पहले जनवरी फरवरी, फ्रूट्स नेम, ये सब कराए जाते थे 5th स्टैंडर्ड तक भी, लेकिन 6th स्टैंडर्ड तक बच्चा आके सीख जाता था। तो मुख्य मुद्दा क्या है इस वीडियो को बनाने का, पहले की एजुकेशन में सारे काम बच्चों को करने पड़ते थे, या आज भी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी को अपना काम खुद ही करना पड़ता है, खुद ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। किताब क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, पत्र कैसे लिखेंगे, उनके पास सभी चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती है। मैं आज की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, दिल्ली की 3-4 साल के बीच में बहुत डिफरेंस आया है और बहुत सुधार आया है पढ़ाई लिखाई में। अलग से बुक्स भी आ गई हैं, अलग से कोर्सेज भी आ गए हैं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, पुरानी चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। ये सब जो चीज़ें थी ये बच्चे के लिए बहुत वैल्यूएबल थी। मेरे एक भाई हैं, वो मेरे मौसी जी के लड़के हैं, छोटे वाले। मैं उनसे पूछता था कि मुझे ना न्यूज़ एंकर बनना है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहता था और मैं न्यूज़ बोलना चाहता था कि जैसे यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। मुझे बोलने की बहुत आदत थी। तो उन्होंने मुझे क्या सलाह दी, उन्होंने कहा कि आप अपनी बुक्स को पढ़िए, SST की बुक्स को पढ़िए और अपनी हिंदी की बुक्स को पढ़िए, आप न्यूज़ एंकर बन जाएंगे। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आप बोलते रहेंगे ना बार बार तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने क्या किया, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया उनकी इस बात से। क्यों? क्योंकि मुझे न्यूज़ एंकर बनना था और मैं बुक पढ़ता रहा। जब मैं पढ़ता रहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज की डेट में कुछ समय बाद, आज की डेट में नहीं, आज से पहले ही मुझे ये समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें, इतना बोलना, इतनी तरह की नॉलेज का होना अलग अलग सब्जेक्ट का, ये क्यों है? ये क्यों था? क्योंकि उस समय में मैं रीडिंग करता था, उस समय में मैं पढ़ता था। तो रीडिंग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, अगर हम चीज़ों को सीखते हैं। अगर हम चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, नई नई किताबों को नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को करेंगे नहीं, तो हमें कैसे ज्ञान होगा, हमें नई नई जानकारी कैसे प्राप्त होगी? अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं, किसी टीचर्स के पास जाते हैं, किसी ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं, तो वो हमें जितना सिखाएंगे हम उतना ही सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से किताबें पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि हमारा ज्ञानवर्धन होगा, हमें नई नई चीज़ें पता चलेगी। नई नई चीज़ें उन्हीं लोगों को पता चल पाती है जो नई नई ज्ञान की खोज में जाते हैं। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, अभी मेरे साथ जो हैं ज़्यादातर स्कूली बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना सीखना चाह रहे हैं, तो लोगों को एक सलाह है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी नहीं आने वाला। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने 2 मात्राएं 4 मात्राएं सीख ली, अब कहते हैं सर हम इन शब्दों को नहीं लिख पाते या इन शब्दों को तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। अगर आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं तो आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, चीज़ों को करना पड़ेगा, नए नए शब्दों को जांचना पड़ेगा, नए नए शब्दों को जानना पड़ेगा। जब तक आप ये सब नहीं करेंगे तब तक एक अच्छी खासी नॉलेज नहीं ले पाएंगे। और आज के स्कूलों में क्या होता है कि क्वेश्चन, बच्चे को चैप्टर भी नहीं रीडिंग कराई जाती, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता, और उसके बाद बच्चे को क्वेश्चन आंसर भी टीचर के द्वारा करा दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कत है कि वो क्वेश्चन आंसर बना नहीं पाते हैं, सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं, शब्द नहीं लिख पाते हैं, शब्द नहीं बनवाते हैं। ये मैं इसके बेस पे कह रहा हूँ कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स के भी बच्चे आते हैं, वो भी ये लोग नहीं कर पाते हैं।
इन्हीं चीज़ों को बेहतर ढंग से करने के लिए मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, ताकि कम से कम बच्चे लाइन लिख सकें। जब वो 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन लिखेंगे, लिखने की आदत बनाएंगे, तो अपने आप सारी चीज़ें वो कर पाएंगे। जब एक छोटा टॉपिक क्लियर कर पाएंगे तो बड़े बड़े टॉपिक भी क्लियर कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, तो बुकों से जुड़ें और बुकों को पढ़ें। जब तक आप किताबों को पढ़ेंगे नहीं, उनसे ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक आपको शायद अच्छी नॉलेज नहीं मिल पाएगी।